रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत गोला स्थित विधायक कार्यालय में बुधवार को विधायक के प्रतिनिधि बजरंग महतो ने जनसमस्या सुनी। इस दौरान रामगढ़ विधानसभा के विधायक ममता देवी की अनुपस्थिति में विधायक के प्रतिनिधि ने समस्याओं को सुनकर दुलमी, चितरपुर, जरियो, गोला के कई ग्रामीणों की समस्याओं से संबंधित पदाधिकारियों से बात कर कई मामलों का निष्पादन किया। साथ ही बजरंग महतो ने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ की। कहा कि राज्य में 1932 खतियान का पारित होना तथा ओबीसी में 27% आरक्षण देना राज्य के ग्रामीणों के लिए एक उपहार स्वरूप है, जिसके बाद बजरंग महतो ने सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद ज्ञापन दिया एवं पूरे विधानसभा की ओर से आभार प्रकट किया। इस दौरान मौके पर कांग्रेस नेत्री जोया परवीन, शंकर करमाली, मेहताब राही, कमलेश महतो, गौरी शंकर, तस्लीम अहमद सहित अन्य मौजूद थे। जी, आज की इस बैठक के विषय में आप तफसील से बताएं। बैठक नहीं, हम लोग माननीय विधायक जी का ये कार्यालय, विधायक कार्यालय, तो लगभग अभी विधायक जी एक महीना से अनुपस्थित हैं, उनके जगह पर हम बैठते हैं, रोज लोगों की जनसमस्या को सुनते हैं, जितना हो पाता है हम इसका निदान करवाते हैं, अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, बताते हैं भाई ये काम होना चाहिए। और आज लगभग दुलमी से आए कुछ, चितरपुर से सभी का जो भी काम था उन लोगों का करवाएं, कुछ स्वास्थ्य विभाग तरफ से भी आया था, उन लोगों का भी लेटर बनवा कर भिजवाएँ सहायता के रूप में कि कुछ मुख्यमंत्री द्वारा मिले। और रोज़ाना ये मेरा बैठक होता है, रोज़ाना बैठते हैं, जितने भी लोग आते हैं जितना को उनको संतुष्ट कर पाते हैं। आपके सरकार में जो अभी वर्तमान में जो चल रही है 1932 खतियान को लेकर, इस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, हेमंत सोरेन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद 22 साल लगभग हो गया जो हमेशा पूर्ववर्ती सरकार आंसू बीजेपी की थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। और हेमंत सोरेन को आते ही उन्होंने कहा था कि मैं पूरे झारखंड को जो झारखंडी का जो अधिकार है उसको मैं देने का काम करूँगा। उन्होंने दिया 1932 का जो मांग है, 1932 का जो उन्होंने लागू किया, 27% हम लोग ओबीसी को आरक्षण दिया, उस स्वागत के लायक है। और मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन जैसा मुख्यमंत्री अब झारखंड को मिलने वाला है। उनके पिताजी वीर शिबू सोरेन जो आंदोलनकारी से इतना कुछ किए, वो झारखंड के बारे में जानते हैं कि झारखंड में हमको क्या चाहिए। तो सभी वर्ग के लोग उन्होंने